विदेशी महिला वृंदावन में आई, तो वो ठाकुर जी की बड़ी दीवानी थी, बड़ी पागल थी, आके एकदम बिहारी जी में अटक गई। ऐसा पकड़ा उसको बिहारी जी ने, ऐसा जादू चलाया कि बस कहीं की रही नहीं पाई। तो उसको किसी ने पूछा कि देवी आप तो सब जगह सब देवताओं को आपने देखा, हिंदू धर्म के भी जितने देवता, आपको बिहारी जी में ही ऐसा क्या देखा? तो बोली कि मैं सब देवताओं के पास गई, पर सब देवताओं को पता नहीं किन किन से खतरा है कि सब अस्त्र लेके बैठे। राम जी धनुष बाण लिए बैठे हैं, देवी मैया अपना त्रिशूल लिए बैठी हैं, भगवान नारायण चक्र लिए बैठे हैं, सबको किसी ना किसी से डर है, पर मैंने पूरी दुनिया में ये एक अकेला भगवान ऐसा देखा जिसको किसी से कोई दुश्मनी नहीं, खड़ा खड़ा चैन की बंशी बजा रहा, किसी से दुश्मनी नहीं, कोई आए सो आए। और आ भी गया तो धनुष बाण की जरूरत नहीं, किसी को मारना है तो इनकी तो बस एक मुस्कुराहट ही काफी, एक बार मुस्कुरा दे तो बस काम खत्म। जख्म खुद बता देंगे कि किसने मारा है, जख्म खुद बता देंगे कि किसने मारा है, हमने कब कहा कि ये काम तुम्हारा है। दिल पर जो जख्म देते हैं वो खुद बता देगा कि ये प्रहार किसने किया है। अधरम मधुरम नयनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम, वो भगवान जिसका हर अंग रस से भरा हुआ है, ऐसे भगवान के स्वरूप का क्या वर्णन करें। सुखदेव जी ने जैसे सुना तो एकदम आसन से खड़े हुए, वाह इतना सुंदर आदमी, इतना सुंदर स्वरूप कौन है ये। पर फिर मन में आया, अरे कोई सुंदर होगा तो अपने लिए होगा, हमको क्या लाभ उससे, बाहरी सुंदरता ज्यादा दिन टिकती नहीं, आप कितना भी मेकअप लगा के, कितना भी बालों पर वो रंग रोगन करके कितना भी चला लो, लेकिन आंतरिक जो सुंदरता है वो अलग ही होती है।